बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसा कद किसी भी सुपरस्टार का नहीं देखने को मिला। शायद ही कोई ऐसा अभिनेता होगा जो लगातार 50 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री से जुड़ा रहा, लेकिन ये बड़ा कारनामा अमिताभ बच्चन ने करके दिखाया। लगभग 50 साल से ज़्यादा शानदार फिल्मी सफ़र के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक अपनी अलग ही लोकप्रियता हासिल की और मौजूदा समय में भी अमिताभ बच्चन के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। या यूँ कहें कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी लोकप्रियता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन की फिल्मों की खुमारी फैंस के बीच सर चढ़कर बोल रही है और उन फिल्मों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन भले ही आज बिग बी के पास शोहरत से लेकर पैसों तक की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया था जब अमिताभ बच्चन पर भारी कर्ज आ गया था, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। अमिताभ बच्चन की ये दुर्दशा उस समय कई सारे सुपरस्टारों ने भी देखी, लेकिन जैसे तैसे कर अमिताभ बच्चन ने इन सभी परेशानियों को पीछे छोड़ आगे बढ़े। लेकिन अमिताभ बच्चन की जब ये मुश्किलें बढ़ी थी तब उस दौर की एक बड़ी अभिनेत्री ने उन्हें इस कदर टॉर्चर किया था कि अमिताभ बच्चन की आंखें नम हो गई थी, और ये अभिनेत्री थी डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया ने उस समय अमिताभ बच्चन को पैसों के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि अमिताभ बच्चन की आंखें नम हो गई थी। और ये किस्सा आज से कई साल पहले 1996 का है, जब अमिताभ बच्चन ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला था। ABCL के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी शुरुआत के बाद से अमिताभ बच्चन ने सोचा था कि शायद मेरे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। अमिताभ बच्चन की इस कंपनी को एक बड़ा घाटा लगा। मिसमैनेजमेंट की वजह से अमिताभ बच्चन की इस कंपनी को इतना ज़्यादा घाटा हुआ कि अमिताभ बच्चन पाई पाई के मोहताज हो गए और वो करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब गए। वहीं इसी दौरान उन्होंने मृत्युदाता बनाई, लेकिन ये बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। दरअसल अमिताभ बच्चन पहले से अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनकी ये मुसीबत तब और बढ़ गई जब उनके अपने ही उन्हें पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिए थे, जिनमें से एक थी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया। उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा ये मशहूर अभिनेत्री थी और अमिताभ बच्चन की आर्थिक स्थिति के बारे में इन्हें बखूबी पता था। लेकिन सबके बावजूद अमिताभ बच्चन की मदद करने के बजाय एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। और इन सब की शुरुआत होती है 1997 से। साल 1997 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मृत्युदाता में एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया ने काम किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन खुद ही थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो कई लोगों के पेमेंट ठीक समय पर नहीं दे पाए। लेकिन अमिताभ बच्चन की हालत जानने के बावजूद भी डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें पैसों के लिए तंग करना शुरू कर दिया था। डिम्पल बार बार अमिताभ को फ़ोन कर पैसों की डिमांड करने लगी थी और उन्हें परेशान भी करती थी। यहां तक कि उन्होंने पैसे लेने के लिए एक दिन अपने सेक्रेटरी को अमिताभ बच्चन के घर तक भेज दिया था। डिम्पल कपाड़िया का यह रवैया देख अमिताभ बच्चन बुरी तरीके से टूट गए थे और अमिताभ बच्चन को डिम्पल की बात बिल्कुल पसंद भी नहीं आई। हालांकि वक्त के साथ अमिताभ बच्चन ने खुद को संभाला और उनके बुरे हालात ठीक होने लगे और कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी नॉर्मल होने लगी। लेकिन सालों बाद भी अमिताभ बच्चन डिम्पल कपाड़िया का वो बर्ताव भूल नहीं पाए, जिसका दर्द उन्होंने 2013 में एक दिए इंटरव्यू के दौरान बयां किया था। साल 2013 में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे देनदार मेरे दरवाजे पर आकर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इससे भी बदतर ये था कि वो हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए थे। ये मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दौर था। इसने मुझे बैठकर सोचने को मजबूर कर दिया। हालांकि ABCL के बर्बाद होने के बाद अमिताभ बच्चन ने जिस हिसाब से अपने आप को मजबूत किया और कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले, ये भी वाकई काबिले तारीफ था। अमिताभ बच्चन एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी रहे और उन्हें वक्त के हिसाब से खुद को ढालना अच्छी तरीके से आता था। तभी तो उन्होंने अपने बुरे वक्त में मशहूर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा से मदद मांगी थी। यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, ऐसे में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मदद करने की ठानी, जिस बात का जिक्र अमिताभ बच्चन ने खुद ही किया था। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि वो यश चोपड़ा के पास गए थे काम मांगने, उनके घर के पीछे ही रहते थे। अमिताभ बच्चन ने यश जी से काम मांगा था और उन्होंने उन्हें फिल्म मोहब्बतें ऑफर कर दी थी। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन की जगह पहले बोमन ईरानी को कास्ट किया गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन की वजह से बोमन ईरानी को इस फिल्म से निकाल दिया गया। बाद में फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए और शाहरुख खान के मुकाबले अमिताभ बच्चन का किरदार भी काफ़ी बड़ा किया गया। बाद में जब फिल्म मोहब्बतें बनी तो अमिताभ बच्चन के करियर की ये बेस्ट फिल्म साबित रही और मोहब्बतें करने के बाद उनके करियर को एक बार फिर से नई पटरी मिली और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ शाहरुख और ऐश्वर्या राय भी लीड रोल में दिखाई दी थी।